स्वागत है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बंगाल सरकार को झटका देते हुए 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। इसको लेकर कानपुर में भाजपा नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लालच के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लूटकर उस आरक्षण को मुस्लिम जातियों को देना चाहती हैं। भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला घमंडिया गठबंधन के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। उनकी सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कटौती कर 2010 में मुस्लिम वोट बैंक के लालच में मुसलमानों को ओबीसी प्रमाण पत्र दे दिए थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1983 के खिलाफ है। इस अधिनियम के बनने से वास्तविक पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी अफसरों से वंचित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 मई 2010 से 11 मई 2012 तक 42 वर्गों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विश्वासघात किया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद के जो मुस्लिम लोगों को पिछड़ों के नाम पे जो आरक्षण देने का जो उनका आदेश था उस आदेश को रद्द करने का काम किया। और जो तृणमूल कांग्रेस थी इन्होंने और बाकी अन्य दलों ने कहा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सभी लोगों ने आज़ादी के बाद से मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर हमारे समाज के अन्य वर्गों के हकों पर डाका डालने का काम किया। और इसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ रहे थे और आज जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के आदेश को जो सर्टिफिकेट दिए गए थे उन सर्टिफिकेट को रद्द करने का काम किया है,